नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का US स्टडी 76 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर, चर्चा करेंगे जो टॉपिक हमारा है कि ल्यूसेंट से वर्बल रीजनिंग कैसे पढ़ी जाए। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है कि ये जो ल्यूसेंट वर्बल रीजनिंग है इसको कैसे पढ़ा जाए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कितने टाइम पढ़ना चाहिए, एक घंटे दो घंटे कितना पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको देखना चाहिए। ठीक है, तो इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस पर बात करते हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है, थोड़ा हल्का फुल्का सा हम आपको बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे किस तरीके से इसको पढ़ना है। तो ये जो ल्यूसेंट वर्बल रीजनिंग है, अच्छी किताब है रीजनिंग की। ठीक है, ठीक ठाक अपने आप का इसका कंटेंट है। और अब बात करते हैं इसमें टोटल 37 चैप्टर हैं। ठीक है, इसमें टोटल 37 चैप्टर हैं और ये सिर्फ वर्बल रीजनिंग है। और जिनको नॉन वर्बल रीजनिंग की ज़रूरत है वो कोई दूसरी बुक परचेज करके उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ वर्बल रीजनिंग दे रखी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात इसमें क्या है कि इसमें स्टूडेंट के लिए कुछ दे रखा है कि कौन सा चैप्टर आपका किस किस से सिलेबस इसमें डिसाइड दे रखा है कि ये वाला सिलेबस इस एग्ज़ाम में आता है, ये वाला सिलेबस इस एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो इसमें चैप्टर दे रखे हैं कि कौन सा बैंक पीओ से, कौन सा बैंक क्लर्क से, कौन सा एसएससी से, ठीक है, और कौन सा रेलवे से संबंधित चैप्टर है, वो सारे के सारे इसमें समझाए गए हैं। और फर्स्ट चैप्टर इसका है जो एनोलॉजी टेस्ट का है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर इसमें आप देख सकते हैं एनोलॉजी टेस्ट का है। और आपको ये बुक जो है ये टोटल 586 पेज की है, तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, ये आपको देखना है, आपको ये देखना है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और जो लोग निराश हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा जल्दी से, या एक दिन पढ़ने बैठे, दो दिन पढ़ने बैठे, तीन दिन ऐसे करके वो 15-20 दिन पढ़े लेकिन समझ में नहीं आया, एक टॉपिक पढ़ा छोड़ दिया, दूसरा पढ़ा छोड़ दिया, नहीं समझ में आया, तो उनके लिए हमने यहाँ पर पहले से ही दो लाइनें लिख रखी हैं, वो जरा एक बार सुनिएगा। क्या है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। ठीक है, तो करत करत अभ्यास के जड़मति भी सुजान हो जाते हैं और रसरी आवत जात, जब रस्सी जो है वो आती और जाती है शिल्प पर यानी कि पत्थर पर, तब क्या हो जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं उस पर। तो इसी तरीके से अब रस्सी इतनी नाजुक होती है फिर भी जब वो आती जाती रहती है एक ही जगह से, तब क्या करती है, वो पत्थर पर निशान डाल देती है। तो इसी तरीके से आप लोग निराश मत होना, अगर एक बार में समझ में ना आए दोबारा प्रयास करो, दोबारा समझ में ना आए तिबारा प्रयास करो, तीन बार में ना आए चार बार पाँच बार, जब तक समझ में ना आए तब तक प्रयास करते रहिए। यही इन लाइनों के माध्यम से समझाया गया, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात शिल्प पर पड़त निशान। ठीक है, तो इसमें क्या, इसका कहने का तात्पर्य है लाइनों का कि करत करत अभ्यास के जड़मति यानी कि मूर्ख बुद्धि वाला भी व्यक्ति सुजान यानी कि अच्छा बुद्धि वाला हो जाता है। इसी तरीके से तो आप भी जब लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, आप भी ल्यूसेंट की रीजनिंग हो गई या कोई भी बुक हो गई जो रीजनिंग की, उसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस ही सबसे मेन चीज़ है जो आपको सफलता दिला सकती है। आप अगर एक बुक को दो बार तीन बार चार बार पढ़ लेते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपको एक ही चीज़ चार बुकों से पढ़नी है। ठीक है, एक ही बुक से चार बार पढ़नी है तभी आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको किस तरीके से पढ़ना है। तो इस बुक में जो दे रखा है, बुक में सबसे पहले तो चैप्टर की कुछ बेसिक नॉलेज यानी कि उसका निचोड़ दे रखा है कि चैप्टर को किस तरीके से समझना चाहिए, पहले कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, उसका स्टार्टिंग में ही इसका निचोड़ दे रखा है कि ये इसके मेन जो पॉइंट हैं वो अगर आप तैयार करके चलोगे, जो मेन पॉइंट हैं चैप्टर के, अगर वो आप तैयार करके चलोगे तो चैप्टर आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में इसमें चैप्टर जो है वो कई पार्टों में डिवाइड करके दिया गया है। ठीक है, चैप्टर को अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके दिया गया है जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने में या समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत ना हो प्रैक्टिस करने में या समझने में, तो चैप्टर को भी बड़े बढ़िया ढंग से इसमें से अलग अलग करके दिया गया है। और इस बुक में चैप्टर का पूरा निचोड़ पहले ही दे रखा है कि आपको किस तरीके से मेन जो पॉइंट है उन पर फोकस करिए, बड़ा ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ
उनको देखिए, तैयार करिए, उसके बाद में चैप्टर को स्टार्ट करिए, उसके अभ्यास प्रश्न हैं वो करिए। और करना क्या है आपको, जब आप पहले दिन करने बैठेंगे तो आपको उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरे दिन करने बैठेंगे तब थोड़ा थोड़ा आपको, तीसरे दिन फिर थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, चौथे दिन फिर थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। इस तरीके से जब अपनी आदत डाल लेंगे आप, ठीक है, जब अपनी आदत डाल लेंगे इस तरीके से, तो आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। और एक बात यह है कि रीजनिंग जो होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बशर्ते कब, जब आपको समझ में आना लग जाए, जब आपको समझ में आने लग जाए तब आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। और ये क्या है, इसमें रीजनिंग में नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को सही से आते हैं, इसके क्वेश्चन सही सलामत आते हैं, फिर भी इसमें क्या होता है, नंबर बढ़िया तरीके से आप पूरी इसको कर सकते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपने बढ़िया तरीके से तैयारी की है। तैयारी करने के लिए आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। और बात करनी है अगर लूसेंट वर्बल रीजनिंग से आपको तैयारी करनी है, तो इसी चैनल US स्टडी 76 पर इसकी पूरी की पूरी कंप्लीट आपको कराई जाएगी। कुछ क्लासें इस पर पढ़ी भी हैं रीजनिंग की, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा। और लूसेंट वर्बल रीजनिंग सेपरेट बिल्कुल स्पेशल आपको तैयार कराई जाएगी। अगर आपको इसको पढ़ने में कहीं पर दिक्कत आए तो इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, अन्य कहीं सोर्स से आप देख सकते हैं, ठीक है, अन्य कहीं से भी देख सकते हैं। पढ़ने का तरीका क्या है आपका, इसमें जो चैप्टर दे रखे हैं उनको स्टार्ट करिए स्टार्टिंग से, ठीक है, ठीक है। एक एक करके चैप्टर पढ़ते जाइए, जब एक चैप्टर पीछे वाला पढ़ेंगे तो आगे वाला जब पढ़ने बैठेंगे पीछे वाले से रिलेटेड होगा, कुछ ना कुछ उससे समझ में आता रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ समझ में आता रहेगा। पहले दिन आप क्या करिएगा, जब इस बुक को लेके बैठेंगे पढ़ने के लिए, पहले दिन आपको बिल्कुल रत्ती भर समझ में नहीं आएगा, ये समझिए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आप बस किताब लिए बैठे हैं। दूसरे दिन किताब उठाइए, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा पिछले दिन की अपेक्षा, ठीक है। तीसरे दिन थोड़ा, दूसरे दिन की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरीके से धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। पहले दिन आप एक घंटा पढ़िए, दो घंटे पढ़िए, इसी तरीके से आप जब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, पहले दिन आप पढ़िए, ठीक है, एक घंटे पढ़िए, तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे फिर दूसरे दिन थोड़ा टाइमिंग बढ़ाते जाइए, यानी कि सभी सब्जेक्ट को टाइम देना, ये नहीं कि आपको इसी को पढ़ना है, इसका एक टाइम बना लीजिए कि आपको एक घंटे दो घंटे निर्धारित समय कर लीजिए, उतना हमको पढ़ना है, ठीक है। जब आप निर्धारित समय कर लेंगे उतना पढ़ना है, और टाइप वाइज आप पढ़िए, अच्छे तरीके से तैयार करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है रीजनिंग में, कोई भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है रीजनिंग को कंप्लीट करने की, अच्छे तरीके से आप रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। और रही बात लूसेंट वर्बल रीजनिंग की, US स्टडी 76 चैनल पर इसकी डेली क्लासें आपको मिलेगी, जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो वहाँ पर पढ़िए, ठीक है। और बुक की मोटाई देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, बुक की मोटाई देखकर कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और इसमें एक चीज़ है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, RRB NTPC रेलवे ग्रुप डी SSC सारे के सारे जितने भी हैं सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो उस तरीके से आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर आप तैयार कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन को जब आप तैयार करने बैठें, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, शांति एकदम शांत माहौल से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर समझना है आपको कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कह क्या रही है, वो आपसे क्या पूछना चाह रही है और आपको क्या बताना है, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे आपको पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लाइनें और हैं वो देख लीजिएगा, रिवर्स नेवर गो रिवर्स, नदी जो होती है वो कभी भी उल्टी नहीं बहती, वापस नहीं जाती, ठीक है। सो ट्राई टू लिव लाइक ए रिवर, फॉरगेट योर पास्ट एंड फोकस ऑन योर फ्यूचर, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसी तरीके से लूसेंट रीजनिंग की तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नए सब्जेक्ट के साथ, अगले नए सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।